हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक होगा नष्ट इक्वेशन। नष्ट इक्वेशन हमारे प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने किया था उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या ये टॉपिक और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विक्की नारायण, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है नष्ट इक्वेशन, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद नष्ट इक्वेशन। तो नष्ट इक्वेशन करने से पहले हम एक बार अपने प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, एक रिव्यू ले लेते हैं। हमने किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, एक बिकर के अंदर जो इलेक्ट्रोड था, मींस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था जिसके अंदर आयन थे और उसमें इलेक्ट्रोड था, और इलेक्ट्रोड और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिफरेंट चार्ज था जिसके कारण इन दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ था जिसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप्स का था, दो। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा कौन सा था, रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस जो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड को लूज करने की, और जिसमें इलेक्ट्रोड गेन होते हैं वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। और हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है, मींस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है, वो किस में थी, पॉजिटिव में थी। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, मींस हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किस में आई थी, नेगेटिव में आई थी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC हम इसकी जो मेजरमेंट है वो किस में करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। इसीलिए इसकी जो वैल्यू थी वो किस में थी, नेगेटिव में। मींस अगर हम देखें फ्लोरीन की जो वैल्यू आ रही थी 2.87 वोल्ट, ये किस में थी, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। और हम क्या कहते हैं, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, 2.87। और लिथियम हम कह रहे थे उसकी वैल्यू या जिंक की जो वैल्यू थी वो किसमें आ रही थी, नेगेटिव में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। मींस उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या थी, कम थी। किससे, हाइड्रोजन से। इसीलिए उनकी वैल्यू किसमें मिल रही थी हमें, नेगेटिव में। किसमें थी वो, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसकी किसमें थी, नेगेटिव में। और IUPAC के अकॉर्डिंग हम इन दोनों की मेजरमेंट किसमें करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। इसलिए जो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसमें होता है, नेगेटिव में। और जो गेन कर रहा है वो क्या करती है, पॉजिटिव में। या आप कह सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। दूसरा, ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर किया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने किससे डिनोट किया था, ई से। या हम कह सकते हैं कोई भी मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन। अगर हम कोई भी मेटल आयन है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन, तो हम इसको राइट कैसे करेंगे, Mn से मेटल। M मींस मेटल कोई भी, और इसके ऊपर क्या है, चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है, मेटल। मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। और हमने इसको क्या बोला था, रिडक्शन पोटेंशियल। और हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। इसलिए हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, और ये है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, मींस RP। दूसरा हम कहें एक था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, और इसको हम किसे डिनोट कर रहे थे, ई नोट से। अब ये ई नोट और ई में क्या डिफरेंस है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ई क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, और SRP जिसको हमने ई नोट से डिनोट किया है, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मींस वो सेम ही है रिडक्शन पोटेंशियल,
बट यहां पे स्टैंडर्ड स्टेट में है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब जो हमने यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है वो एक स्टैंडर्ड स्टेट में मींस कितना है, 1 मोलर है। यहां का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस या हम कह सकते हैं 298 केल्विन, जो कि क्या एक स्टैंडर्ड स्टेट में है। प्रेशर अगर हम देखें तो प्रेशर भी कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी क्या एक स्टैंडर्ड स्टेट में है। अगर एक स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई हो तो हम इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हम किसे भी नोट करते हैं, ए नोट से, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। उसके बाद में ये था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हमने क्या कहा, एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मींस ये जो ई है ये किसी भी कंसंट्रेशन पे हो सकता है, एट एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर, बट ये जो ई नोट होगा वो एक स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए दोनों के बीच में बस इतना ही क्या है, डिफरेंस है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक नस्ट इक्वेशन पे। नस्ट इक्वेशन, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या था, इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू नस्ट, नस्ट ने क्या बोला था कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बीच में और जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसके बीच की जो रिलेशनशिप थी उस रिलेशनशिप को इसने नाम दिया नस्ट इक्वेशन का। दोबारा से सुनिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस सेटअप हुआ था, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था या क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर रहा था या क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। मींस इस इलेक्ट्रोड पे या तो पॉजिटिव चार्ज था या क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अगर इस पे पॉजिटिव था तो इस सॉल्यूशन पे क्या होगा, नेगेटिव, मींस इसके अपोजिट चार्ज था। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस सेटअप हुआ था उसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नस्ट क्या कहता है कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये जो सॉल्यूशन है और उसकी जो कंसंट्रेशन है इसके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको नस्ट ने एक इक्वेशन का नाम दिया और इस इक्वेशन को बोला नस्ट इक्वेशन। क्या बोला इसको, नस्ट इक्वेशन। नस्ट गिव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज नस्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है क्या, नोट कीजिएगा क्या है? तो नस्ट इक्वेशन है क्या, स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम एक जनरल रिएक्शन देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के व्यू से, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। कोई भी मेटल आयन है जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितने मेटल आयन यहां पे पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन यहां क्या करेगा, गेन, ताकि ये क्या हो सके, न्यूट्रल होके एक मेटल की फॉर्मेशन कर सके। मींस यहां पे जितने एन पॉजिटिव होंगे उतने ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और एक न्यूट्रल मेटल की फॉर्मेशन करता है। क्लियर। अगर हम बात करें नस्ट इक्वेशन की, तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन ई एम एन पॉजिटिव से क्या फॉर्म हो रहा था, एम इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT by NF log product by reactant P by R। हर एक बुक में हो सकता है कि आपको यहां पे मेटल बाय मेटल आयन भी मिल सकता है, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट क्या है, मेटल, और रिएक्टेंट क्या है, मेटल आयन। ऐसा भी मिल सकता है, ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हो। अब ये है क्या, E क्या था, हमने अभी किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको हम कह सकते हैं ईएमएफ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो सकता है या ईएमएफ भी हो सकता है। ई नोट क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। टी क्या था, टेम्परेचर। एफ क्या है, फैराडे। और एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक्सचेंज। अब ये है क्या, एक बार ध्यान दीजिएगा, आर एक गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने प्लस वन में लिखी थी, कितनी थी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर स्टैंडर्ड स्टेट में कितना लिया था हमने 298 केल्विन। फैराडे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलम, या आप इसको कह सकते हो द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का बैग भर के अगर हम उसका चार्ज निकालें तो जो उसका चार्ज होगा वो कितना होगा 1 फैराडे मींस 96,500 कूलम। और ये एक फिक्स वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली हम इतनी यूज करते हैं। वैसे अगर इसकी डेफिनेट वैल्यू देखी जाए तो ये होती है 94,485 कूलम, लेकिन हम इसकी यूज कितने करते हैं 96,500। ये आपको एग्जाम में मिल भी सकती है और ना हो तो हो सकता है कि इसको कैलकुलेट भी करना हो सकता है, तो ये डेफिनेटली एग्जाम में मिलती है, और ना मिले तो आप इसको यूज कर सकते हो 96,500। ठीक है, तो ये होता क्या है वन द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है 1 फैराडे। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ये क्या है मींस अगर हमने जो रिएक्शन की है इस रिएक्शन के अंदर, सपोज अगर मैं यहां पे एन की वैल्यू 2 रखता हूं तो यहां पे भी एन की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर मैं यहां पे एन की वैल्यू 3 रखता हूं तो यहां पे भी कितनी होगी 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मींस इस यहां पे 3 पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तब क्या बनेगी मेटल, या लूज करेगा तो कितने जितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं एन से, मींस कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए। हो सकता है कि यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना पड़े, कि जो नहीं है यहां पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ही हो, रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है न्यूमेरिकली। और जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं एन से। एफ इज द फैराडे, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर जो कि एक स्टैंडर्ड स्टेट में है, हमने स्टैंडर्ड स्टेट में इसको पुट करना है। और ये नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, वो आती है, और इसके बेस पे या तो न्यूमेरिकल मिलेगा आपको या इसको ड्राइव करना आ सकता है एग्जाम के अंदर, सो इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। तो आपने इसको नोट कर लिया है, ई क्या था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, या इसको ईएमएफ से भी नोट करते हैं। दूसरा ई नोट क्या था जो स्टैंडर्ड स्टेट में था, एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एंड क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ फैराडे, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ई इज इक्वल टू E नोट माइनस 2.303, आर की वैल्यू कितनी थी 8.314, टेम्परेचर कितना था 298 बाय एन। हमारे पास एन की वैल्यू अभी नहीं है क्योंकि हम किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल नहीं दे रहे, अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो यहां पे एन और फैराडे की वैल्यू कितनी बताई थी 96,500 लॉग मेटल बाय मेटल आयन, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो भी पुट करना है। उसके बाद में E इज इक्वल टू E नॉट, आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है 0.059 बाय N, क्योंकि N हमने वैल्यू पुट नहीं की थी, लॉग मेटल बाय मेटल आयन। एक बात नोट कीजिएगा, इस कैलकुलेशन को आप याद रख लें क्योंकि हमें इस को या इस इक्वेशन को 1% ही यूज करना है सिर्फ इसी रिएक्शन के अंदर।
आगे जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं, आगे जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं उसके अंदर 99% ये रिएक्शन, ये इक्वेशन यूज होगी। आगे जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं उसमें 99% ये इक्वेशन यूज होगी। तो आपने इस वैल्यू को याद रखना है, आप न्यूमेरिकल के टाइम इसको हर बार कैलकुलेट करके नहीं देखोगे। तो ये वैल्यू आप याद रखें 0.059 बाय एम। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम मेटल को एज ए यूनिटी रखते हैं, मींस मेटल को अगर हम एज ए यूनिटी रखते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाय एम लॉग 1 बाय मेटल आयन। और ये जो इक्वेशन हुई है एट 25 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हैं एट 298 केल्विन। क्लियर? अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो इसकी एक एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ पोटेंशियल फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। सीधा सा फॉर्मूला है ये सेल्फ पोटेंशियल, हम इसको क्या कर सकते हैं कैलकुलेट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो Zn प्लस कॉपर टू पॉजिटिव से क्या फॉर्मूला है, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो इसमें आप देखिएगा जिंक से जिंक का है ऑक्सीडेशन, कॉपर आयन से कॉपर क्या हो रहा है रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और ये क्या हुआ था रिडक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होगी अगर हमने इस इनोट की वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, राइट माइनस लेफ्ट या रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। हमने यहां पे ई की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहां पे आपको मिलने वाली है इनोट की, और एन क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मींस यहां पे एन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2। यहां पे जो वैल्यू पुट करनी है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है Zn2 पॉजिटिव, कॉपर और जिंक दोनों मेटल हैं और दोनों को हमने क्या रखना है यूनिटी के तौर पे, मतलब 1 है तो 1 से 1 क्या होगा कैंसिल। तो यहां पे क्या बचने वाला है Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। और ये ई नोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस जिंक से जिंक आए, मींस इनकी जो वैल्यू होगी, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो हम यहां पे पुट करके एसआरपी निकालेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे। और इनकी अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग दी हुई है तो वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी पुट करनी पड़ेगी। मींस इसकी एक एप्लीकेशन है, इससे हम ई को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, जो इसी रिएक्शन से हम निकाल सकते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा। हमने अभी एक रिएक्शन यूज की थी Zn प्लस कॉपर पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस में क्या किया था कॉपर। अगर हम ये कहें कि कॉपर आयन और जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्वल है, तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मतलब Zn2 पॉजिटिव बाय में कॉपर 2 पॉजिटिव। कैसी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कंसंट्रेशन है जो वैल्यू है वो क्या होगी Zn2 पॉजिटिव बाय में कॉपर 2 पॉजिटिव। ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये कब होगी जब जिंक आयन और कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होगा Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। बट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, और यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन अभी तक दिखाई दे रही, देखिएगा कैसे नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 बाय एन लॉग, और एन की वैल्यू हमने यहां पे कितनी पुट करनी है 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर
टू पॉजिटिव, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में नॉस्ट इक्वेशन में किया है। इसके एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, और Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव किसके इक्वल है? Kc के। सो E इज इक्वल टू क्या होगा? E नॉट माइनस 0.059 बाय 2 log, और Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव किसके इक्वल है? Kc के। तो यहां पे हम क्या रखेंगे? log Kc। सो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो E की वैल्यू है वो क्या होती है? जीरो। मींस एट इक्विलिब्रियम E इज इक्वल टू जीरो। ये जो E है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या EMF, जो इसकी वैल्यू है वो क्या है? जीरो। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये इक्वेशन क्या होगी? E नॉट इज इक्वल टू 0.059 बाय 2 log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमने कैलकुलेट किया जब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहां पे हमने नंबर ऑफ आयन कितने रखे थे? 2। मींस हमने जो रिएक्शन का एग्जांपल लिया था उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज थे वो कितने थे? 2। और अगर हम किसी और रिएक्शन के लिए लेते हैं तो उसमें क्या होगा? एन कितने भी हो सकते हैं, एन की वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज भी हो सकती है। अगर हमने इसमें से एक जनरल रिएक्शन निकालनी है तो हम इस 2 की जगह क्या रख देंगे? एन रख रहे हैं। मींस ये किसी भी रिएक्शन के लिए हो सकता है। हमने इस रिएक्शन का एग्जांपल लेके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाला है, तो हम एक जनरल रिएक्शन के लिए यहां पे क्या पुट कर रहे हैं? एन। मींस log Kc इज इक्वल टू क्या होगा? एन इनटू E नॉट बाय 0.059। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नॉस्ट इक्वेशन। नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। सपोज करो हमने जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ली थी, उस सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड थे, मतलब लेफ्ट साइड में एनोड था, कैथोड था, और इनके अंदर जो सॉल्यूशन थे वो भी डिफरेंट थे। हमने एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, और हमने जब E नोट निकाला था या EM ऑफ द सेल कैलकुलेट किया था, तो EMF सेल निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था राइट माइनस लेफ्ट। बट सपोज करो अगर हमारे पास दोनों बिकर के अंदर सॉल्यूशन सेम है, इसमें भी कॉपर सल्फेट है, इसमें भी क्या है? कॉपर सल्फेट है, और इन दोनों में जो रोड है वो भी किसकी है? कॉपर की। दोनों में सॉल्यूशन भी क्या है? सेम। मेटल भी क्या है? सेम। इलेक्ट्रोड भी क्या है? सेम। तो बताओ किस पे ऑक्सीडेशन होगा और किस पे रिडक्शन होगा? इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। मींस ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। दोनों अगर सॉल्यूशन सेम है तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? डिफरेंट, और डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दोनों सॉल्यूशन सेम है तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, वो उस पर क्या होगा? रिडक्शन। मींस वो जो इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा होगा? कैथोड। और उसको हम किस साइड में रखेंगे? राइट साइड में। और जिसमें कंसंट्रेशन लो होगी उस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोल देंगे? एनोड। मींस ये जो सेल है वो C1 है और जो ये आप सेल है वो क्या है? C2 है। और अगर हम इसको नष्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेट करें तो नष्ट इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय N log C2 बाय C1। C2 ये वाली सेल है और ये क्या है? C1 है। क्लियर? स्पोर्ट्स एक रिएक्शन जिसमें
कोपर सल्फेट, और इस रिएक्शन को हमने क्या बोला है, C1 से कोपर सल्फेट से क्या कोपर, और इस सेल को हमने क्या बोला है C2। ऐसा ही हम एक वो एग्जांपल लें, ZN से ZnSO4, और यहां पे जो इसकी कंसंट्रेशन है 0.01, टू वर्टिकल लाइन फॉर सॉल्ट बेस, ZnSO4 से ZN, और यहां पे जो हम इसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो है 0.1। यहां पे कंसंट्रेशन कितनी थी 0.01, यहां पे कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, E = E0 - 0.0599 ln C2 की वैल्यू कितनी है, C2 कितना था 0.1, और हमने यहां पे इसको C2 क्यों बोला, क्योंकि यहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसकी क्या होता है रिडक्शन, मींस वो क्या है कैथोड। तो इसको हम कहां पे रखेंगे ऊपर C2, एंड C1 की वैल्यू कितनी थी 0.01, और यहां पे N की वैल्यू क्या है, जिंक कितने लेवल यूज करता है 2, तो यहां पे N की वैल्यू कितनी होगी 2, और आप इसको क्या कर सकते, क्या करोगे कैलकुलेट करोगे, मींस कंसंट्रेशन सेल वो सेल है जिसमें दो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो दोनों क्या है सेम टाइप के हैं, बट दोनों बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी डिफरेंट होगी। अगर जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम कहां पे रखते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, उस पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा होता है एनोड, और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस पे क्या होगा रिडक्शन, और उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा होगा कैथोड। तो ये एक कंसंट्रेशन सेल है जिसमें दोनों बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन क्या है डिफरेंट, बट दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है सेम टाइप के है। क्लियर कंसंट्रेशन सब। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा फेरेडेला जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, और अगर हम देखें फेरेडेला दो तरह के होते हैं। फर्स्ट फेरेडेला क्या करता है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, मीन्स एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली थी और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, मींस आयन थे उसके अंदर, क्या थे आयंस प्रेजेंट थे, और वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिप थे वो एक बैटरी से कनेक्टेड थे, बैटरी का जो पॉजिटिव पोल था उससे एनोड कनेक्ट था और जो नेगेटिव पोल था उससे कैथोड, मींस ये गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे क्या है नेगेटिव, मींस बैटरी का पॉजिटिव पोल एनोड से कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव पोल कैथोड से कनेक्टेड है, और जैसे यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी जो ये आयन थे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहे थे डिपोजिट हो रहे थे, और यही लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या बोलता है कि the mass of substance that deposit on electrode is directly proportional to charge of electricity passed through electrolytic solution, means the weight of substance that deposit on electrode, जो भी ये आयन है इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम किसे डिनोट करते हैं क्यू से डिनोट करते हैं, और अगर हम बात करें इसमें इसके कांस्टेंट की तो W = क्या होता है जेड क्यू, जेड क्या एक कॉन्स्टेंट है, और जेड अगर हम बात करें Z = होता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे। अब 1 फैराडे की वैल्यू हमने कितनी बताई थी 96,500 कूलम
ई क्या था? ई हर एक सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट होता है, मींस जो इलेक्ट्रिक जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट है वो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी किया है नॉर्मलिटी जब हमने कैलकुलेट की थी, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, मोलर मास बाय एसिडिटी और बेसिटी। बट अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट निकालेगा फॉर्मूला है मोलर मास बाय एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स एसिडिटी और बेसिडिटी भी थी जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक नॉर्मलिटी के अंदर किया था, बट यहां पे एक्स का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एफ क्या था? फैराडे। ये जेड की वैल्यू यहां से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम कहें चार्ज की, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू में टाइम, मींस आई इंटू में टाइम। आई अगर हमारा 1 एम्पीयर है, टाइम भी 1 सेकंड है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जेड होगा। और जेड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो जेड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, ई क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, और एफ क्या है, फैराडे। और इन दोनों की वैल्यू ये आपको गिवन में होगी, और एफ की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट है 96,500 कूलम। और जो वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जेड पे डिपेंड कर रहे हैं। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, means the weight of substance that deposit on electrode is directly proportional to charge of electricity passed through this electrolytic solution. Clear? अब एक बात और नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी किया था कि किसी अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं लाइक NaCl, तो वो किसमें डिसोसिएट होता है, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उसके आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट हो गए वो न्यूट्रल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल बना सकता है, गैसेस फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग इसके क्या है प्रॉपर्टीज है। सो ये है फर्स्ट लॉ, नोट कर ले। इसका जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ किस पर डिपेंड करना था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बट सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। जो ये सॉल्यूशन है इसका जो केमिकल वेट है वो डिफरेंट होगा, इसका जो केमिकल इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होने वाला है, डिफरेंट। और अगर यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट है, तो इस इलेक्ट्रोड पे जो डिपोजिशन होगी बाईपास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी वो, डिफरेंट होगी। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और हम एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, उस सेल को किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रोड को, सेम प्रोसीजर है, ये एनोड, ये कैथोड, और इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है यहां से क्या मिलने वाली है, डिफरेंट है। क्लियर? सपोज एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और एक में क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और एक सीरीज के अंदर कनेक्ट है। अगर हम इसको एक सीरीज के थ्रू कनेक्ट कर दें, एक सीरीज के थ्रू इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और यहां पे इसकी जो बैटरी है वो भी क्या करते हैं, एक ही करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। और ये दो ही सेल लिए हमने और दोनों को एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और दोनों के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट है वो क्या है, डिफरेंट। तो जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट लॉ जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास।
जो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी वो उस पर डिपेंड कर रहा था, और जो सेकंड लॉ है वो इस सॉल्यूशन के केमिकल इक्विलेट वेट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर ये केमिकल इक्विलेट वेट ज्यादा है तो यहां पे जो डिपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। क्लियर? अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, When same quality of electricity is passed through different electrolytic solution connected in series, जैसे कि हमने कहा है कि अगर ये सीरीज के अंदर कनेक्ट हो और अगर हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, then the weight of the substance produced at the electrode are directly proportional to their chemical equivalent weight, और इस chemical equivalent weight को हमने किससे नोट किया था, जेड से।